नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति गुप्ता आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत दिनों बाद ये रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड, क्योंकि मैं अपने पहले चैनल में थोड़ा ज्यादा बिजी हो गई थी, इसलिए आज बहुत दिनों के बाद फिर से इस चैनल में एक्टिव हुई हूँ। तो आप सबके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी COVID-19 का असर खत्म नहीं हुआ है, इसके लिए अपने शरीर को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हम सब बच्चों की देखभाल कैसे करें, क्या दे बच्चों को खाने के लिए, वही मैं आज बताने जा रही हूँ फ्रेंड। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों को सिट्रस फ्रूट आपको देना है, मतलब खट्टे फल आपको देना है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, ये सब बच्चों को देना है ताकि बच्चों की इम्यूनिटी एकदम बरकरार रहे। तो आज मैं आपको घर पर निकाला हुआ फ्रेश ऑरेंज जूस बनाकर दिखाऊंगी कि कैसे 5 मिनट में ऑरेंज जूस बना सकते हैं। और बच्चों को आप अगर डेली दें, प्रतिदिन ये ऑरेंज जूस घर का बना हुआ दे, तो उसमें इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी रहती है और बच्चों की जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है वो दूर होती है। तो मैं अपने बच्चों को ये प्रायः 1 महीने से दे रही हूँ मौसमी और नींबू का जूस। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि नींबू का जूस, संतरे का जूस कैसे बनाए। चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड, किसी भी फल के जूस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ताजे ताजे फल की जरूरत है। सूखा हुआ फल बिल्कुल भी ना ले। आप जब फल खरीद कर लाते हैं तो उसे अच्छी तरीके से धोकर साफ करके रखें, और अगर फ्रिज में फल रखते हैं तो जूस बनाने से 2-3 घंटे पहले ही आप उसे फ्रिज से निकाल लें। उसके बाद ये देखिए, मैंने ऑरेंज को जैसे ही लाया उसे अच्छी तरीके से धोया, साफ किया, फ्रिज में रखा, और जैसे मैं जूस बना रही हूँ तो 3-4 घंटे पहले से ही मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, क्योंकि बच्चों को ठंडा जूस देना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए, ये ताजे ताजे नींबू मैं ले आई हूँ। अब चलिए इसे छीलते हैं, और इसे किस तरीके से छीलना है और जूस बनाने का सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है वो मैं बताऊंगी आपको। तो फ्रेंड देखिए, 1 ग्लास जूस, मतलब 2 बच्चे हैं मेरे, तो 1 ग्लास जूस में, हाफ हाफ ग्लास जूस में दूंगी अपने बच्चों को। तो 1 ग्लास जूस के लिए मैंने 3 बड़े नींबू लिए हैं। इसे एक बड़े बर्तन की जरूरत होगी, इसलिए मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है। अब मैं इसे छीलकर अच्छी तरीके से इसके जितने भी बीज है वो बाहर निकाल लूंगी। बीज के साथ आपको इसका जूस नहीं बनाना है, क्योंकि फिर जूस जो है वो मीठा नहीं तीखा हो जाएगा, इसलिए चलिए इसे हम छील लेते हैं सबसे पहले। फ्रेंड, छीलने के लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे बीच से काटना है। इस तरीके से इसे बीच से मैंने देखिए ऐसे काट लिया है। उसके बाद इसके 2 फाक करने हैं। 2 फाक करने के बाद इसके पीछे का पूरा छिलका निकालकर इसमें जो भी बीज होगा वो बीज निकालकर आपको इस बड़े बर्तन में इस तरीके से रखना है। तो चलिए पूरा छील लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, संतरे को मैंने अच्छी तरीके से छील लिया है और इसके जो भी अंदर में बीज थे वो मैंने हटा लिए हैं। आपको भी इसी तरीके से पूरा बीज हटा लेना है। अब चलिए हम जूसर में इसे डालते हैं। तो ये देखिए, मैं जूसर में इसे डालने जा रही हूँ। आपको एक एक करके पूरा भरना नहीं है। हम हाफ हाफ करके इसका जूस बनाएंगे। इसमें हल्का पानी डालेंगे फ्रेंड, ताकि ये अच्छी तरीके से घूम सके। तो ये देखिए, ये इतना मैंने डाल लिया है। अब इसमें हम हल्का पानी डालेंगे, 1/2 कप। तो फ्रेंड देखिए अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डालने जा रही हूँ। आपको ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है। 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। अब देखिए, इसे हम बंद कर लेते हैं। बंद करके इसे हम अच्छी तरीके से घुमाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अब हम इसे घुमाते हैं। तो ये देखिए, हमारा 1/2 ग्लास जूस बनकर रेडी है। अब मैं इसे छान लूंगी। तो फ्रेंड देखिए, अब मैं इसे चाय छन्नी की मदद से इसे छान लूंगी, क्योंकि बच्चे इसका जो पल्प होता है वो खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं इसे अच्छी तरीके से छान रही हूँ। और इसमें फिर काला नमक डालकर आप बच्चे को दे सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसे मैंने छन्नी की सहायता से छान लिया है।
अब इसमें हम काला नमक मिलाएंगे। ये देखिए काला नमक आपको थोड़ा सा इसमें मिला लेना है ताकि थोड़ा सा स्वाद इसमें आ जाए और बच्चे पीने से मना ना करें। काला नमक डाल देने से स्वाद और बढ़ जाता है और बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पी लेते हैं जूस को। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए बच्चों के लिए जूस घर पर बनकर तैयार है और 3 ऑरेंज में मैंने करीब 1 गिलास के जूस निकाला है और इसमें काला नमक मिलाया है। अब ये पीने से बच्चे मना नहीं करेंगे। चलिए हम बच्चों को देते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, क्या फील करते हैं वो। तो इसी तरीके से आप भी ऑरेंज जूस या फिर किसी भी फल का जूस घर पर निकाल सकते हैं और घर का निकाला हुआ फ्रेश जूस ही बच्चों को दे, जिससे उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल बरकरार रहे। तो चलिए हम बच्चों को देते हैं जूस। तो फ्रेंड देखिए बच्चों को मैंने जूस दे दिया है, अब बच्चे पिएंगे और बताएंगे कि कैसा बना है ये जूस। इज दिस यमी एनी टेस्टी है? वाओ इट्स यमी, वाओ इट्स यमी, वेरी गुड। इज दिस यमी? वाओ। तो देखिए फ्रेंड कैसे बच्चे ने एक गटक में ये जूस पी ली। तो फ्रेंड उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति रेसिपी ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।